देश भर में अनेक जगहों पर बच्चा चोर गैंग के नाम से फैल रही अफवाहों और बच्चा चोरी की संदेह को लेकर निर्दोष लोगों के साथ भीड़ द्वारा मारपीट की घटना के कई मामले देखने और सुनने में आ रहे हैं। विगत दिवस धार जिले के धामनोद में भी एक व्यक्ति को बच्चा चोर गिरोह का सदस्य समझकर जमकर मारपीट की और उसे गंभीर चोटें आई, जिसके चलते उसे इंदौर रेफर किया गया है। वहीं पूरे मामले में जिला पुलिस अधीक्षक ने इन घटनाओं के चलते आम लोगों से अफवाहों से दूर रहने और भ्रम फैलाने वाले लोगों से सावधान रहने की अपील की है और इस तरह की किसी भी वारदात पर तुरंत पुलिस को सूचना देने को कहा है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार सोशल मीडिया और विभिन्न तरीकों से कुछ लोगों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम से सावधान रहने की जरूरत है। वहीं धामनोद में संजय नामक एक व्यक्ति की भीड़ द्वारा बच्चा चोर समझ पिटाई के मामले में भी उन्होंने भीड़ में शामिल कई लोगों पर प्रकरण दर्ज करने की बात कही और बाकी आरोपियों को पहचान कर उन पर कार्रवाई करने की बात कही। नहीं देखिए, कल की जो घटना है, ऐसी घटनाएं चांस की घटनाएं होती हैं। और कल ये व्यक्ति, इसने ऊपर शर्ट और कुछ बनियान भी नहीं पहनी हुई थी और ये उस वहाँ से निकला हुआ था, इसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, तो इसको बच्चे देख के चिल्लाए। उसके बाद ये घटना हुई और इसमें तुरंत पुलिस मौके पे पहुँच गई और उसमें एक आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया है और बाकी आरोपी, उसमें चार आरोपी नामजद हैं और बाकी लोगों को भी पुलिस जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। क्या वजह है सर, इतनी सतर्कता के बावजूद इस तरह की घटना हुई, मनावर में भी इस तरह की अफवाह फैली थी, लोग थाने पर? देखिए, आजकल सोशल मीडिया और ये जो अलग अलग चैनल्स हैं उसके थ्रू इस तरह की अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं, तो हमने सभी लोगों से आग्रह भी किया है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आग्रह किया है और जनसंवाद भी हमने शुरू किया है, जिससे लोगों को ये बताएं कि इस तरह का कोई गैंग या कोई घटना धार जिले में नहीं हुई है। और यदि ऐसे में कोई शैतानी करता है, किसी को हर्ट करता है या मॉब लिंचिंग का प्रयास करता है, तो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भिजवाया जाएगा।